घर में जब भी कोई सब्ज़ी ना हो आपको कुछ अनोखा चटपटा खाने का मन हो तो ये सब्जी आपके लिए है इसे जिसे भी खिलाएंगे आपसे पूछते पूछते थक जाएगा आखिर आपने इसे बनाया कैसे है तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखना और मेरी रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक कप चाहिए हमें चना दाल मैंने इन चने दाल को पहले से ही भिगो कर रख दिया था करीब दो से तीन घंटे के लिए या फिर आप इसे ओवरनाइट के लिए भी भिगो सकते हैं भिगो कर मैंने इसको अच्छे से धो लिया था और पानी इसको निकाल दिए थे इसके एक ग्राइंडिंग जार लेंगे ग्राइंडिंग जार में सारे चना दाल को डाल देंगे अगर आप चना दाल की जगह पर बेसन भी ले सकते हैं लेकिन बेसन हर वक्त अवेलेबल नहीं होता है तो इसलिए चना दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं चना दाल के साथ में दो मैंने छोटे साइज के आलू लिए हैं जिसको मैंने चार टुकड़ों में कर दिया है चार से पाँच लहसुन की कली आधे इंच अदरक का टुकड़ा दो हरी मिर्च डालकर थोड़े से दो चम्मच पानी डालकर इसे हमें पीस लेना है ज़्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें मत कीजिएगा दो चम्मच सिर्फ दो चम्मच इसको पीस लेना है तो ये देखिए हमारा चना दाल का पेस्ट बन के रेडी हो गया है इस पेस्ट को दूसरा बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरा कटोरी में ये देखिए कितना है, स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हुआ है क्योंकि चना दाल है तो आप लोग ध्यान से पीसीएगा क्योंकि इसमें कोई भी चना दाल के कोई भी टुकड़े न रहे इसे फाइन पेस्ट तैयार करना है आ एक चौथाई चम्मच नमक डालेंगे दो पिंच जितना इसमें हल्दी डाल देंगे कलर के लिए इसको अच्छे से फेंटना है ताकि ये अच्छे से एकदम फेंट जाए विस करके मदद मतलब से अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये फ्लफी हो जाए तो ये देखिए ये रेडी हो गया है हमारा चना दाल और आलू का हमने इसमें सिर्फ चना दाल नहीं आलू का भी इस्तेमाल किया है जिससे बहुत ही सॉफ्ट बनती है इसको साइड में रख देंगे उसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है इस तरीके का प्लास्टिक ले लेंगे या फिर दूध का पैकेट आता है वो या फिर आपके पास पाइपिंग बैग है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक ग्लास लेंगे इसमें उसका एक कॉर्नर डिप कर देंगे और इसमें चना दाल और आलू का पेस्ट जो हमने बनाया था इसमें सारे हम डालकर पाइपिंग बैग में कस देंगे इसको ये देखिए अब इसको ऊपर से हम एक कॉर्नर पर एक कॉर्नर इसका रख देंगे और एक पूरे प्लास्टिक पकड़कर ऊपर से हम इस पर रबड़ लगा देंगे ताकि ये थोड़ा इक्वल हो जाए और इस तरीके से थोड़े से नीचे कट लगा देंगे तो इसको साइड में रखते हैं एक वही ग्राइंडिंग जार लेंगे जिसमें हमने चना दाल पीसा था उसी ग्राइंडिंग जार में दो टमाटर को भी हम ऐसे ही पीस लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके क्योंकि हमें इसका ग्रेवी बनाना है मसाले बनाने हैं तो इसलिए मैंने ग्राइंडिंग जार को धोए नहीं है क्योंकि हमें इसमें पीसने थे इसलिए मैंने उसको धोए नहीं थे तो हमें दो टमाटर का भी इसमें कट करके डाल देना है ताकि हमें इसको ऐसे ही पीसना है इसमें भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि टमाटर में ही पानी रहता है तो इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है इसको ऐसे ही हमें पीस लेना है मैं आप सबको याद दिला दूँ कि प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गैस पर कोई भी पैन या फिर कढ़ाई चढ़ाए दो चम्मच जो दो चम्मच या फिर जितना तेल डालना चाहते हैं डाल सकते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दें जीरा जैसे ही हल्का ब्राउन हो जाए दो पिंच जितना इसमें हींग डाल देंगे खुशबू बहुत अच्छी आती है हींग से अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे एक चम्मच इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है थोड़ा पक जाए जैसे ही हम पक जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें लगभग एक बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे और प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक ट्रांसलूसेंस होने तक इसे पकाना है उसके बाद जो हमने टमाटर पीस कर रखा था टमाटर को डाल देंगे इसमें टमाटर के साथ ही में हम मसाले डालेंगे मिक्स करके क्योंकि टमाटर के साथ ही में हमें मसाले पकाने हैं तो थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे प्याज के साथ टमाटर को एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए आधी छोटी चम्मच नमक इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि टमाटर के साथ ही में हमारे मसाले भी पक जाए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेंगे और फटाफट बन के रेडी भी हो जाएंगे तो ये सब्जी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना ग्राइंडिंग जार में दो चम्मच मैंने पानी डालकर इसे भी धोकर इसमें डाल दिया है आप मसाले हमारे अच्छे से इसमें पक जाएंगे तो इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ढक कर लगभग दो मिनट के लिए हम मसाले को पका लेंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाए सिर्फ दो मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ये देखिए दो मिनट के बाद हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं तेल सेपरेट हो चुके हैं अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स कर देंगे और तीन चम्मच पानी डाल देंगे और ग्रेवी को ज़्यादा लूज नहीं करना है हल्का ही इसे लूज रखना है इस ग्रेवी को क्योंकि इसी के ऊपर हमें बनाने हैं ये छोले तो ये देखिए हल्का लूजी रखना है गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इस तरीके से हम ड्रॉप करते हुए इस पर चना दाल और आलू का छोले बना लेंगे हाँ दोस्तों ये छोले बन रहा है चना दाल और आलू का जब भी आपके घर में सब्ज़ी ना हो तो इस तरीके से चना दाल और आलू का छोले बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से छोटे छोटे ड्रॉप करते जाएंगे तो इस तरीके से हमारे छोले बनते जाएंगे तो इस तरीके से आप चना दाल आलू का छोले भी बना सकते हैं इजी तरीके से और खाने में इतनी टेस्टी लगती है इतनी चटपटी लगती है आप इसे एक बार बना लोगे तो बार बार बनाना चाहोगे तो ये देखिए अब अब अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो क्या करना अगर आपके पास तो इस तरीके से इसके ऊपर ही प्लेट रखना प्लेट में थोड़ा सा तेल या फिर घी लगा देना इसके ऊपर भी हम छोले भी बना लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ड्रॉप करते हुए इस पर हमें छोले बना लेने हैं छोटे छोटे तो ये देखिए छोले मैं आप सबको याद दिला दूँ कि प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस तरीके से हम ड्रॉप करते हुए छोले बना लेंगे क्योंकि हमारे इस तरीके से दूसरा बैच भी आराम से निकल जाएगा एक ही बार में तो इसको भी ढक कर हमें चार से पाँच मिनट के लिए स्टीम करना है चार से पाँच मिनट के बाद ये देखिए चार से पाँच मिनट ही समय लगता है ज़्यादा नहीं तो चार से पाँच मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाता है ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी तो ये देखिए हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहे ये ठंडे हो जाते हैं तो आराम से निकल जाते हैं इसमें कोई झंझट नहीं है और नीचे वाला भी देख लीजिए बिल्कुल भी हमारे छोले ग्रेवी में मिक्स नहीं हुए हैं एकदम परफेक्ट हुए हैं क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि बेसन का है या और आलू का तो मिक्स हो जाएंगे ग्रेवी में बिल्कुल भी नहीं ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये छोले भी बिल्कुल परफेक्ट हैं इनको हम ठंडा हो जाएगा तो निकाल देंगे बहुत ईजी तरीके से निकल जाते हैं अभी गर्म है छूने में हाथ जल जाएंगे तो इसलिए थोड़ा ठंडा होने देंगे तो ये छोले हमारे बनकर रेडी है थोड़ा सा ऊपर से पानी डालेंगे थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से तो ये देखिए हमारे छोले कितने अच्छे बने हुए हैं तो इस तरीके से अगर आपके घर में जब भी कोई सब्ज़ी ना हो और कुछ चटपटा खाने का मन हो तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर बना सकते हैं और जो हमने प्लेट में छोले बनाए थे तो ये छोले देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं क्योंकि वो भी सॉफ्ट बने हैं लेकिन ये जो ऊपर है वो मैं दिखा रही हूँ क्योंकि वो ग्रेवी में है तो उसे कैसे दिखा सकती हूँ हाथ से उठा कर ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं इसको भी इसी में डाल देंगे डालकर मिक्स कर देंगे मिक्स मैं आप सबको याद दिला दूँ कि प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना आप इसमें अब पानी डाल सकते हैं लेकिन मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं की हूँ अब इसे ढककर हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे लगभग दो मिनट के लिए दो मिनट के लिए या फिर इसमें टाइम भी नहीं लगता है अगर आप को ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो इसे थोड़ा बॉयल करना पड़ेगा तो इस तरीके से हम थोड़ा दो मिनट के लिए गैस पर रखेंगे दो मिनट के बाद ढक्कन हटाकर इसमें थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी क्योंकि कसूरी मेथी से इस सब्ज़ी में बहुत ही टेस्ट आता है बहुत ही अच्छी तो तवे पर गरम करके हल्का कसूरी मेथी डाल देंगे इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये देखिए हमारे चनादार और आलू का गैस बंद कर देंगे उसके ऊपर से आधे नींबू को निचोड़ देंगे क्योंकि इसमें नींबू बहुत ही अच्छी लगती है नींबू खाना नहीं चाहते हैं तो इसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमारा ये छोले बन के रेडी हो चुके हैं इसको अब गैस को हमने बंद कर दिया है अब इसके ऊपर से डालेंगे धनिया पत्ता हरा धनिया पत्ता डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तब आप इसे सब्जी या फिर जो भी आप इसे बोलना चाहें बोल सकते हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी ये लगती है ये सब्जी छोले की तो ये छोले आप लोग एक बार जरूर बनाना आलू और बेसन के छोले बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे चावल के साथ रोटी के साथ नान के साथ जिसके साथ खाना चाहे खाइए इंजॉय कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी क्योंकि अगर आपके घर में सब्जी ना हो तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकते हैं चटपटा अनोखा रेसिपी तो इस तरीके से बनाइए खाइए इंजॉय कीजिए और मेरी रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट की।